हमारे पास ये जो सारी पोजीशंस है मेंटेनेंस के अंदर, हमारे एचओडी के पास कोई स्किल होती है? आप मेंटेनेंस एचओडी बन जाते हैं? बल्कि नहीं, वो लास्ट वाले साहब नहीं अभी तक आए, आ जाए आप। इनकी पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह एचओडी वाली है ना। इन्होंने जिम खोल लिया अपना। कौन कौन एग्री करता है कि इनकी पर्सनैलिटी एचओडी वाली है या चेयरमैन वाली है? एचओडी से ऊपर है भाई, ये आपको मारने लगा है ऊपर से। अच्छा है जोड़ा भी। आप आज से एचओडी हैं, आपकी क्या क्या स्किल्स होंगी जो के डिपार्टमेंट के काम आएंगी? अपनी सारी स्किल्स में से, सारी एबिलिटीज में से कौन सी चूज करेंगे? मैनेजमेंट स्किल्स और किसी एक बंदे का इशू आया, किसका इशू आया? कोई एक बंदा इशू बताना चाहेगा अपना, कोई अपने एचडी साहब को? इनका कोई सबॉर्डिनेट, आपका कोई सबॉर्डिनेट बैठा है यहाँ पे? टीम का हिस्सा बैठा हुआ है, आपके डिपार्टमेंट का बैठा हुआ है? मैनेजर, मैनेजर साहब आप इनको अपना इशू बताएं। कोई नहीं, आपने नहीं, आप एक ऐसा इशू बताएं कि जिससे इनको परेशानी हो और टेक्निकल ना हो। लेट से आप बता दें कि आज सारे लोगों ने हड़ताल कर दी और मैनेजमेंट कहती है कि इस फैक्ट्री किसी तरह फिर भी चलनी चाहिए, अब कौन सी स्किल यूज़ करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, बैठ जाएं, थैंक यू। हम लोग एक बंदे को हायर करते हैं इंजीनियर को इंडस्ट्री के अंदर एज अ प्लानर, क्या देख के हायर करते हैं? प्लानिंग स्किल्स देख के हायर करना चाहिए। या किसी बंदे को प्रमोट करते हैं तो यहाँ पे एचआर का किरदार आता है कि वो देखता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब क्या है, प्लानिंग की जॉब है, स्केजलिंग की जॉब है, प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेंट्री है, एनालिसिस है। अब आप बताएं प्लानर के लिए क्या स्किल्स इनमें से, इस डाटा में से, प्लानिंग की से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टॉक्स, वेरी गुड, और ड्यूरेशन, वेरी गुड, ड्यूरेशंस और लीड टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्लानिंग्स के स्केड्यूल भी होते हैं, और क्या होता है जी? टास्क और प्रोजेक्ट्स, ये भी प्लानिंग में, प्लानिंग में होते हैं। और क्या होता है? एमटीटीआर, एमटीबीएफ नहीं होता प्लानिंग का ऐसा? हिस्टोरिकल डाटा देखेगा तो प्लानिंग करेगा ना, कितना टाइम टू रिपेयर है या कितना फेलियर टाइम है इसका, कितनी देर इसको लगती है, उसकी बेस पे प्लानिंग करेगा ना वो। लेट से मैंने एक मशीन को डाउन टाइम के लिए लेना, मुझे कैसे पता लगेगा कि मशीन कितनी देर में तकरीबन अप हो जाएगी? कैसे अभी कैसे अंदाज़ा करते हैं आप? प्लानिंग में कौन है, प्रोजेक्ट्स में कौन है, मेंटेनेंस में कौन है? सारे मेंटेनेंस में। आप बताएं आपका नाम क्या? हाँ जी, आप बताएं कि आपने एक मशीन का एस्टीमेट देना है अपने मैनेजर को, कैसे एस्टीमेट करेंगे कि कितना टाइम लगेगा उसको? देखते हैं, देखते हैं साहब का हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में क्या चीज़ देखेंगे? डेटा में क्या देखेंगे? हो सकता है लास्ट टाइम छोटा इशू आया हो, फिर और क्या देखेंगे? कोई बता सकता है और क्या और देखेंगे? मतलब डेटा में क्या चीज़ देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा इसको खुल के असेंबल होने में? ठीक है, ओके, आगे उसको देखेंगे कितनी देर में हो जाएगा वो तैयार। आपके ओरेकल से एक डाटा, डाटा उसमें मौजूद है, किसी तरह पावर बी आई से किसी तरह उसको निकालने की कोशिश कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो होता है मीन टाइम टू रिपेयर। लेट से इस पूरे साल में एक मशीन को या एक इक्विपमेंट को, अगर मोटर है तो लेट से उस मोटर को या एक पंप है उस पंप को, टोटल उस पर कितने ब्रेकडाउन आए थे और हर ब्रेकडाउन कितने टाइम का था? ठीक है, उन जितने जितने टाइम का तो उन सारों को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा जितना उसको रिपेयर करने पे लगता है, उससे थोड़ा सा ऐड करके आप मशीन का प्लान डिसाइड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम, और ये बहुत बहुत जगह पर यूज़ होता है, मीन टाइम टू रिपेयर बहुत जगह पर यूज़ होता है। इसी से टीम प्लान की जाती है, मेंटेनेंस की जो टीम स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इसी की बेस पर बनाया जाता है। जो वो होता है ना कि आपने डाउन साइजिंग करनी है, राइट साइजिंग करनी है स्पेशली,
वो सारे का सारा साइजिंग इसी डेटा से निकलती है। हमारे लेट से कितने ब्रेकडाउन आए, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने इलेक्ट्रिकल के थे, कितने मैकेनिकल के थे, उन ब्रेकडाउन में टोटल टाइम कितना लगा, कितने मैन आवर्स हैं, मैन आवर्स का कॉन्सेप्ट है आपको हमारे, हाँ कितने मैन आवर्स हमारे उस पर कंज्यूम हुए, उस मैन आवर्स की बेसिस पे तो हम सिलेक्ट करते कि हमें कितने बंदे चाहिए, ठीक है। तो और MTBF मेन टाइम बिटवीन फेलियर, मेन टाइम वो था मेन टाइम टू रिपेयर, MTTR, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं पे अगर गए तो, नहीं तो यहाँ पे यूज़ करें उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। मेन टाइम बिटवीन फेलियर होता है कि एक ही इक्विपमेंट पे जितना एक फेलियर आया और फिर दूसरा फेलियर और फिर तीसरा आया, इन फेलियर्स के जो दरमियान में टाइम है, ऐसे एक मोटर ख़राब हुई 28 दिन बाद फिर ख़राब हो गई, फिर 2 दिन लगे ठीक करने में, 40 दिन बाद फिर ख़राब हो गई, तो जो इनके दरमियान टाइम है और जितना उस पर ब्रेकडाउन जितनी दफ़ा आया उसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कि एवरेज कितने टाइम बाद ये फेल हो जाती है। इस पर आपके प्रिवेंटिव स्केड्यूल्स बनते हैं, इसी पर आपकी इन्वेंट्री डिसाइड होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और एक फिर आती है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, इन्हीं के थ्रू या इनसे मिलती जुलती ही चीज़ है OEE, उसमें और काफ़ी कुछ आता है, बट ये दो तीन टर्म्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि आप की अवेलेबिलिटी या प्लांट की एफिशिएंसी है क्या और मेंटेनेंस ने कितना बेहतर किया। इवन कि आप कह सकते हैं मैनेजमेंट को कि हमने इस साल मेंटेनेंस से आपके इतने पैसे बचाए, वो इन्हीं चीज़ों से निकलते हैं। यहाँ आपको 10 बंदे और चाहिए तो आप कैलकुलेशन यहाँ से निकालेंगे, इस डाटा को यूज़ करते हुए हिस्टोरिकल डाटा निकालेंगे, कितने ब्रेकडाउन आए, किस फैकल्टी के आए, पहले कितने थे, अब कितने हो गए, बढ़ रहे हैं काम ज़्यादा, मशीन ज़्यादा ऐड हो गई तो हमारे इतने मैन आवर्स मर गए। मैन आवर्स के थ्रू आप वो डाटा निकाल के बताते हैं कि हमें इतने रिसोर्स और चाहिए, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर्स आपकी निकली हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर से या मीन टाइम टू रिपेयर से। अच्छा, और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर जो कि ब्रेकडाउन से रिलेटेड है, सॉरी प्लानिंग से रिलेटेड है? टीम, टीम की बात की किसी ने, टीम की बात की, प्लानिंग में किस टीम ने करना है ये भी तो होगा, और क्या, स्पेयर पार्ट्स और डिपार्टमेंट एलोकेशन, लीड टाइम्स, लेट्स से उस प्लानिंग में कुछ काम होना है, उसमें कोई चीज़ आनी है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेट्स से, या ब्रेकडाउन प्लान है आपका, रिपेयर प्लान है, तो वो कितनी देर में आनी है वो भी तो देखेंगे ना, उसके पार्ट्स कितनी देर में आ जाएंगे। लेट्स से शटडाउन अगर आपने प्लान किया तो आप 3 दिन बाद तो शटडाउन नहीं प्लान कर सकते, आप करते हैं उसको उस एस्टीमेट पे जिस एस्टीमेट पे आपको लीड मिल रही होती है पार्ट्स की, और सारे ही आते हैं। स्केड्यूलिंग देखेंगे सारे आएंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे सारे आएंगे, तकरीबन सारे आएंगे, इन्वेंट्री देखेंगे सारे आएंगे, इन्वेंट्री भी उस इन्हीं चीज़ों के बेस पे डिसाइड होते हैं। टास्क से भी इन्वेंट्री, जी टास्क से भी इन्वेंट्री है, स्केड्यूल बेस पे भी हम इन्वेंट्री अरेंज करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं उससे जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए भी इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री का भी हर चीज़ों से लिंक है। इसी तरह एनालिसिस, वो इन सारे डेटे का एनालिसिस है इन सब के लिए। अगर आप ये वाली चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आप अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, ना कि सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कंपनी की एसेट अवेलेबिलिटी को ऊपर ले आएंगे, जो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का गोल है कि मेरा एसेट ज़्यादा लाइव रहे। जिस तरह हम गाड़ी के बारे में सोचते हैं कि हमारी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहे, प्रॉब्लम ना आए, उसको जब सेल करें तो वो आ जाए, तो कंपनी के मैनेजमेंट भी ऐसे सोच सकती है कि लेट्स से हमने कल सेल करना है तो हमारे पास ये इसी हालत पे होगा तो लेट्स से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा ही होता है, बिल्कुल वैसे ही। जी जी जी, आप ये देखें, केस स्टडी लेते हैं इसके लिए। एक टीम है एक डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक्टिविटी प्लान की हुई है जिसमें उनको चाहिए 10 बेयरिंग्स, ठीक है, उन्होंने प्लान करके इन्वेंट्री का सोच लिया या अपने प्लान में डाले, उन्होंने इन्वेंट्री से चेक किया और कहा कि हमें 10 बेयरिंग्स चाहिए, और 2 दिन बाद एक और डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक एक्टिविटी प्लान कर ली, कौन सी, जिसमें वही बेयरिंग्स लगने थे। अब ये 10 बेयरिंग्स तो वहाँ पे जाने थे। टीम्स जो हैं जब प्लान करती हैं अपनी किसी भी एक्टिविटी को तो वो इन्वेंट्री को लाजमी देखती हैं, इन्वेंट्री लाजमी कंसल्ट करते हैं या उसको बुक करते हैं या उसको हम यूजली क्या करते होते हैं, पहले इशू करवा लेते हैं ताकि कोई और इशू ना करवाए अगर क्रिटिकल जॉब है तो।